हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएन टीवी। आप देख रहे हैं मेरे साथ, मैं मोहम्मद शहजाद आपके लिए लाया हूं भारत का इफ्तार बाजार। जी हां व्यूअर्स, अभी हम पूरा मार्केट आपको दिखाएंगे। अभी जो मुसलमान रोज़ा रखते हैं वो, और ये समय जो होता है वो इफ्तार का वक्त होता है, जिसे रोज़ा खोलने का भी वक्त कहा जाता है। और एक मार्केट हम आपको दिखाने वाले हैं आज, भारत का ये मार्केट है। यहाँ की तकरीबन चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि मिस हो जाए। जैसा आप देख सकते हैं, चिकन तंदूरी यहाँ पे मिल रहा है, चीकू सपोटा जिसे कहा जाता है हैदराबादी लैंग्वेज में, तरबूज की दुकान और बहुत सारी मार्केट्स यहाँ आपको दिखाएंगे। क्या भाव चल रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया तरबूज क्या भाव है? 20 रुपये किलो। और खरबूजे, पपिया 40 रुपये, पपिया 40 रुपये, तरबूज 20 रुपये। भैया केला क्या भाव है? 50 रुपये दर्जन केला। कितने का ये शरबत? 10 रुपये में आम का जूस। अच्छा अच्छा, ये चने हैं, ये देखिए, ये घर के बने हुए चने। क्या भाव है ये? 10 रुपये का पैकेट। ये एक पैकेट आप यहाँ आके 10 रुपये में ले सकते हैं। यहाँ समोसे और बहुत सारी चीजें, यहाँ हर चीज आपको मिलेगी। इफ्तार के वक्त की जो खाने की जो आइटम होती है, खजूर, ये देखिए पूरे यहाँ समोसे, जिलेबी, इमरती, सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है। ये देखिए फ्रूट्स का मार्केट है ये, यहाँ ग्रेप देख सकते हैं आप, अंगूर, समोसा। बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आप बदमाशी बता रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो बताइए, आप लाइव हो, बोलिए। पूरी जनता आपको देख रही है, बोलिए। क्या लेना चाहेंगे? हमारे दोस्त है तो ये देखिए व्यूअर्स, ये तरबूज कितने खूबसूरत तरबूज। क्या भाव है भैया? खरबूजा ए पपाई और तरबूज, तरबूज 20 रुपये किलो। ये देखिए तरबूज 20 रुपये। और ये जाम क्या भाव है भैया? जाम किसका है? क्या भाव है जाम? देखिए 60 रुपये किलो जाम बिक रहा है यहाँ पे। और बताएंगे आपको सब कुछ धीरे धीरे। चीकू क्या भाव है? 40 रुपये किलो चीकू। ये नया आइटम है, देखिए घर के तले हुए पापड़। भाई थोड़ा सा हटिए तो, ये देखिए घर के तले हुए पापड़, नड्डे। क्या भाव बेच रहे भाई ये पापड़? 10 रुपये का एक। और ये नड्डे 10 के 10। और चने 10 रुपये का पैकेट, चने 10 का पैकेट ना। ओके ओके, तो देख रहे हैं व्यूअर्स आप, बहुत खूबसूरत मार्केट। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, डायरेक्ट घर के बने हुए आइटम भी बिक रहे हैं। और एक आप तो दुकान बताऊंगा, यहाँ पे बर्फ भी मिलता है, बर्फ भी बिक रहा है इस मार्केट में। कितने का पैकेट है भैया ये? 10 रुपये का पैकेट। आपका नाम? नियाज भाई। ये देखिए, ये तो तरबूजा खरबूजा, ये तो आपको लगातार हम दिखाई रहे हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत मार्केट और बहुत बड़ा मार्केट लगता है ये। इसका पूरा एड्रेस भी हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, लेकिन पहले आपको खजूरों की एक बड़ी दुकान दिखाते हैं। यहाँ पे रूह अफजा से लेके खजूर और तमाम किस्म के ड्राई फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में ये एक दुकान है, यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ड्राई फ्रूट्स, खजूर, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद में यहाँ फिर से वापस से ड्राई फ्रूट्स की एक, ये मुजाहिद भाई की काफ़ी मशहूर दुकान है यहाँ पे। यहाँ साल के 12 महीने आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। नई बस्ती में आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म के, इनके पास शरबत भी अवेलेबल है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल आपको पूरा अभी छोटे छोटे आइटम जो है बेसन के, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश। अच्छा ये देखिए आपको 10 रुपये में लस्सी मिलती है यहाँ पे, 10 रुपये में लस्सी का मज़ा आप ले सकते हैं। 10 रुपये में हाफ, 15 रुपये में फुल। उसके बाद में वापस हम ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर आ जाते हैं। ये देखिए फिर से खूबसूरत ड्राई फ्रूट्स की दुकान। इसके बाद में यहाँ देखिए स्वीट्स की दुकान है, नमकीन, हर किस्म के आपको नमकीन मिलेंगे यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। ये भी पुरानी दुकान है। उसके बाद में वापस यहाँ ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे किस तरह से चिकन को निकाला जा रहा है। देखिए तंदूरी चिकन जिसे कहा जाता है, देखिए आप चिकन के पकोड़े, तंदूरी चिकन। ये देखिए इजहार भाई चिकन तंदूरी।
के कोई कमेंट्स हो, सवाल हो तो बताइए व्यूअर्स हमें। मार्केट बहुत बड़ा है ये, अभी देखिए आपको यहाँ पे पूरी मिलेंगी बेसन की, अंडा भजिया मिर्ची भजिया ये सब चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी। वापस ये चिकन तंदूरी की एक दुकान और आपको मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, आम की दुकानें, फ्रूट्स की दुकानें, सेवई की दुकानें, बहुत सारी दुकानें यहाँ पे। हाजी साहब की सेवई की दुकान आप देख सकते हैं। देखिए बुरहानपुर वालों की एक ब्रांच यहाँ लगी है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म के स्वीट्स हैं। सरताज होटल बिरयानी की होटल है, इसके बाद में यहाँ पांठेला है। अगर आपको सेवैयाँ लेना है तो सेवैयाँ जिसका मेन त्यौहार जिसे कहा जाता है, यहाँ देखिए आप किस तरह से ये कीमे के आइटम बन रहे हैं। यहाँ पे सेवैयों की दुकानें हैं पूरी, ये सब आप देख सकते हैं। मतलब ओवरऑल पूरा आपको एक इफ्तार का जो A to Z आइटम आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। तो ये भारत का इफ्तार बाज़ार हमने आपको दिखाया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहे NNTV के।